गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर बेसिक का डेस्कटॉप का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। कल के पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है और फोल्डर को कैसे रीनेम किया जाता है। थोड़ा सा मैं पिछला जो आपको कल सिखाया था उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ। जैसे कि हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोल्डर नेम और यहाँ पे फोल्डर का नाम आपने डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फोल्डर का नाम मैं डालता हूँ ओम। अब आगे जो है, जैसे हम कई बार होता है कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं कि कोई फोल्डर या कोई फाइल हमें जो वो नहीं चाहिए, डेस्कटॉप के ऊपर नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि उस फोल्डर या उस फाइल को हम कैसे डिलीट करते हैं और जो है डिलीट कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो आप नोट लीजिए और साथ में एक पेन लीजिए और उसको नोटिस करते चलिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपने जिस भी फाइल ये जिस भी फोल्डर को डिलीट करना है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस फोल्डर या उस फाइल के ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे जाएंगे और डिलीट पे जाने के बाद आप इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है ये फोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। उसी तरह अगर हमने कोई फाइल जो है वो डिलीट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी एक फाइल है, इसको आप क्या चाहते हो कि इसको आपने डिलीट करनी है, तो आपने क्या करना है इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपने कहाँ पे जाना है, डिलीट पे जाना है। क्लिक किया और आपकी फाइल जो है ये डिलीट हो चुकी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने गलती से जो था वो फाइल्स और फोल्डर डिलीट कर दिए हैं, तो आपने चेक करना है कि आपके द्वारा जो भी फाइल या जो भी फोल्डर जब डिलीट करे जाते हैं तो डिलीट करने के बाद जो है वो कहाँ पे जाते हैं। तो जी हाँ, आगे जो है आपका आपके सामने एक रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन, सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। रिसाइकल बिन जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कूड़ा करकट की एक टोकरी। जब भी आप क्या करते हो कि घर में झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगाने के बाद, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके द्वारा घर में जब झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगाने के बाद जो भी कूड़ा करकट होता है आप उसको उठा के एक बास्केट में डालते हो। तो उसी बास्केट को अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाए तो उस कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं रिसाइकल बिन। आपके द्वारा तमाम कंप्यूटर्स की जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी फोल्डर्स होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर होगा, जब उसको डिलीट कर दिया जाता है तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आपके रिसाइकल बिन के अंदर। अब आपने चेक करना है तो आप क्या करोगे, रिसाइकल बिन को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद ये आपका रिसाइकल बिन जो है वो पूरा कंप्लीटली ओपन हो चुका है। दूसरा, जैसे ही रिसाइकल बिन की जैसे ही विंडो ओपन होती है, ओपन होने के बाद जो है इसके अंदर जो है ये आपके द्वारा जो भी फाइल्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने डिलीट किए थे तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि मैं इनको यहाँ से भी क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, तो इनको दोबारा वापिस नहीं लेकर आ सकते। आपके द्वारा जब फाइलें विंडो से या आपके कंप्यूटर से जब डिलीट कर दी जाती हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। आप उनको रिसाइकल बिन से क्या होता है कि आप उनको वापस जहां से आपने डिलीट की थी वहां पे लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन से ही इन फाइलों को डिलीट कर देते हो तो ये फाइल दोबारा जो है वो रिस्टोर नहीं होगी। तो जी हाँ, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कई बार होता है कि बाय मिस्टेक से हमसे कोई फाइल जो वो डिलीट हो गई है, अब हमने उस गलती को सुधारना है कि गलती से भैया हमसे ये फाइल डिलीट हो चुकी है और इस फाइल को हमने दोबारा वापिस जहां से हमने इसको डिलीट किया था वहीं पे ही लेके जाना है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे ये है साई राम नाम का फोल्डर है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मान लीजिए कि मेरे से ये गलती से डिलीट हो जाता है, अब मुझे ये जो भी फाइल थे जो फोल्डर थे ये दोबारा फिर जहां से मैंने इसको डिलीट किया था वहां पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से फिर क्या करूंगा, रिसाइकल बिन ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे देखना कि आपने कौन सा फाइल और कौन सा फोल्डर आपने उसी लोकेशन पे लेके जाना है, उसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, रिस्टोर। जी हाँ, अगर आप किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को जहां से आपने डिलीट किया था दोबारा वहीं पे लेके जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल बिन ओपन करके उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। तो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जो फाइल यहाँ पे इसकी लिस्ट में थी वो रिस्टोर हो चुकी। जैसे ये फोल्डर था हमारा, इसको भी हमने क्या किया, डिलीट किया था, इसको भी मैंने क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। उसी तरह ये है, इसको भी मैंने क्या किया, रिस्टोर कर दिया। ओके, उसके बाद क्लोज की विंडो।
अब आप देखोगे कि ये फाइलें जो है वो यहाँ पे डिलीट सॉरी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आज आपने सीखा कि किसी फाइल को और किसी फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है, और साथ में डिलीट करने के बाद उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट अगला, जैसे मान लीजिए कि हमें हर एक फाइल को डिलीट करना पड़ रहा है, तो हमें हर एक फाइल को अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि हमें ये जो है ये सभी जो है इकट्ठा ही डिलीट चाहिए, ये हमें ये सभी जो है इकट्ठा ही डिलीट चाहिए, तो हम कौन सा ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जिससे हमारी ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठा ही डिलीट हो जाएं। तो जब आपने एक से अधिक डॉक्यूमेंट को इकट्ठा ही डिलीट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि माउस पॉइंटर को क्लिक करके ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक पट्टी आती है, आप इसको उसमें सिलेक्ट, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको छोड़ेंगे तो ये आइटमें जो है आपके सामने सिलेक्ट हो गई। हमें कैसे पता चलेगा कि आइटमें सिलेक्ट हो गई, इन आइटम्स के बाद जो है एक ब्लू कलर के एक रेक्टेंगल सी आ जाती है। अब इसमें से इनको आपने क्या करना है कि इकट्ठा ही डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे किसी एक के ऊपर भी और इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। जी हाँ, अब ये आइटम है जो वो आपकी डिलीट हो चुकी है। अब डिलीट होने के बाद हम क्या करेंगे कि दोबारा फिर से मान लीजिए कि ये चेक करनी है कि डिलीट हुई या नहीं, तो हम क्या करेंगे रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है ये सभी आइटमें जो वो आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि हर एक आइटम को मान लीजिए कि गलती से डिलीट करी है, हर एक आइटम को हम क्या कर रहे हैं कि राइट क्लिक करके रिस्टोर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिनमें से जो आइटम हमें इकट्ठा ही रिस्टोर चाहिए, इकट्ठा ही वापिस वहां पे चाहिए, तो वन क्लिक करने के साथ जो वो रिस्टोर हो जाए, तो हमने क्या करना है, आपने क्लिक किया, क्लिक करके इसको ड्रैग किया। ओके, आपकी जो जो ब्लू कलर जिनका कलर चेंज हो गया, इट मींस कि वो सिलेक्ट हो गई आइटम में, और उसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसको हमने क्या कर दिया रिस्टोर कर दिया। ओके, आप देखोगे कि आपकी आइटम्स सेम वैसे आ चुकी। तो ये तो था एक आपका फर्स्ट प्रोसीजर डिलीट करने का। आप चाहें तो किसी भी आइटम को अगर आपने सेकंड तरीके से इसको डिलीट करना है तो क्लिक करिए, और कीबोर्ड से आपका एक डेल की होता है, जी हाँ कीबोर्ड से एक डेल की होती है, उसके द्वारा भी आप इनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया कीबोर्ड से मैंने डेल की यूज की, क्लिक किया कीबोर्ड से मैंने डेल की यूज की और आपकी आइटम जो है वो डिलीट हो गई। फिर आई रिसाइकल बिन किया ओपन। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आइटमों को हम क्या कर रहे हैं कि राइट क्लिक करके हम इनको रिस्टोर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि जो जो आइटम्स यहाँ पे डिलीट की हैं वो आप उसको क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपकी आइटम्स वहां पे पहुंच जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपने ये सीखा कि किसी भी आइटम्स को डिलीट कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट है जो आपका ये डेस्कटॉप है उसके ऊपर आप देखते हो कि ये अलग अलग आइकन्स हैं। अब मैंने इस आइकन को यहाँ पे रख दिया, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई डेस्कटॉप है, इस तरह से आपकी आइटम जब आपने ऑन किया तो ये आइटम है इस तरह से आपको दिखाई दे रही थी और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन हम यूज करें कि ये सभी आइटमें जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाए, तो पहला जो फर्स्ट ट्रिक है उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हर एक आइटम को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। इससे आपका समय जो है वो काफी ज्यादा बेकार होगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि विद इन वन क्लिक के साथ जो वो आपकी आइटमें जो है जैसे कि ये सभी आइटमें जो अलग अलग तरीके से आपके सामने डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, कि अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि ये आइटमें जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे अपने आप लिस्ट में शो हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका डेस्कटॉप है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता है व्यू। व्यू के अंदर जो है एक फंक्शन होता है, राइट क्लिक किया फिर आप जाते हैं व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर एक फंक्शन है आपका ऑटो अरेंज आइकन। ये फंक्शन जो क्या काम करता है कि जो भी आपकी आइटम्स हैं ये उनको क्या करेगा कि ऑटोमेटिक ही इनको अरेंज करके डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्ट कर देगा। तो जी हाँ, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखते हो कि जो आइटम्स यहाँ वहां बिखरी हुई थी वो ऑटो अरेंज फंक्शन के द्वारा जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है। अब आप किसी भी आइटम को क्लिक करोगे और खींचने की कोशिश करोगे, रखने की कोशिश करोगे, तो वो ना यहाँ पे दूसरी जगह पे नहीं मूव होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो फंक्शन यूज किया है वो कौन सा किया है, ऑटो अरेंज। ओके, नेक्स्ट जो है आगे, नेक्स्ट है आपके सामने लार्ज आइकन। लार्ज आइकन इसमें ये सभी आइटम जो है इनके जो आइकन्स हैं वो छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि आइकन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर और
लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि आपके जो आइकन्स हैं उनका जो साइज जो है वो काफी बड़ा हो चुका है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दोबारा फिर आपको वैसे ही चाहिए पहले जैसे पहले था, तो फिर व्यू में जाइए, खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, व्यू पे जाइए और स्मॉल आइकन। अगर आप इनको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो मीडियम आइकन, ये बहुत ही स्मॉल से हो गए। अब उसके बाद आप चाहते हो कि और छोटे करने हैं तो तीसरा फंक्शन है, फिर राइट क्लिक करिए और स्मॉल आइकन। ओके, तो ये बहुत ही छोटे व्यू में आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप मैक्सिमम देखते हो कई बार कि आपकी जो डेस्कटॉप की आइटम्स हैं जो इन नाउ इन दिस टाइम आपको ये दिखाई दे रही हैं, आप चाहते हैं कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन हैं वो दिखाई ना दे, तो हम क्या करते हैं, शो डेस्कटॉप आइकन के ऊपर इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ये नाउ इन दिस टाइम अनसेलेक्ट हो चुकी है और आपके द्वारा जो डेस्कटॉप के ऊपर जितनी भी आइकन थे वो इसमें हाइड हो चुकी हैं। अब मान लीजिए कि आप इनको शो करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, फिर राइट क्लिक किया डेस्कटॉप के ऊपर, व्यू में जाते हो और शो डेस्कटॉप आइकन, और इसके ऊपर आप क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो। ओके, क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी आइकन थे वो आपके सामने डिस्प्ले हो गए। तो इस फंक्शन में आपने ये सीखा कि डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन होते हैं उनकी जो व्यू सेटिंग होती है उनको आपने लार्ज में करना है तो लार्ज पे क्लिक करिए, मीडियम में करना है तो मीडियम पे क्लिक करिए, स्मॉल में रखना है तो स्मॉल पे क्लिक करिए, और अगर आप इन आइकन को ऑटोमेटिक अरेंज रखना चाहते हो कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ना हो, जहाँ पे है ऑटोमेटिक ही अरेंज रहे, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो जो काफी ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है वो है आपका शो डेस्कटॉप आइकन। इसके ऊपर नाउ इन दिस टाइम राइट क्लिक बना हुआ है तो आपको आइटम जो शो हो रही है, अगर मैं इसके ऊपर दोबारा जाऊंगा, जाने के बाद इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा तो ये आइटम है जो वो आपको नहीं दिखाई देगी। फिर राइट क्लिक किया, अब नाउ इन दिस टाइम यहाँ पे राइट का सिंबल नहीं है, तो इट मीन्स कि आइटम आपको इसमें डेस्कटॉप के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो आई होप आपको ये जो मैंने आज जैसे कि फोल्डर को डिलीट करना, फाइल्स को डिलीट करना, साथ में डेस्कटॉप की व्यू सेटिंग जो बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करिए और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप नोट करते चलिए। तो जी हाँ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।